कुछ भी नहीं है वहाँ। जब प्रमाणित हो गया तो मैंने कहा जो रिपोर्ट दी थी कुलपति उन लोगों ने उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। तो फिर ऐसे कैसे मान ले हम कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ आगे न्याय होगा? केवल एक बिल आने से और आप सजा तय कर दो 10 साल की, उससे थोड़ी ना सोल्यूशन हो गया। जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है वो कई चरणों में करवाता है जी, कि सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता हो जाए, तो क्यों नहीं ये परीक्षा रीट की होती है, ये भी कई चरणों में हो और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हो, जिलेवार परीक्षा हो जाए, पेपर के सेट अलग अलग छपे हैं जिससे कि कोई लीक होने का खतरा कम से कम रहे, ऐसा क्यों नहीं करती? UPSC से IAS का पेपर क्यों नहीं आउट होता? वो कभी भी हमने नहीं सुना कि IAS का पेपर आउट हो गया। तो जब वो आउट नहीं होता है तो फिर ये राजस्थान में भर्तियों के पेपर ही क्यों आउट हो रहे हैं और दोनों सरकारों में हो रहे हैं? मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं देता जी, पिछली सरकार थी भाजपा की उसमें भी आउट हुए और वर्तमान सरकार है उसमें भी आउट हुए और गैंग वही है जी। तो मैंने तो यहाँ तक कहा कि ऐसी गैंग का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि एक खून पे फांसी हो जाती है तो जो लाखों लोगों के सपनों का खून करते हैं लोगों का, उन लोगों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के कपड़े पहन करके सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक सेंट्रल पार्क में बिना रुके बिना थके दौड़ लगाऊंगा नॉन स्टॉप इसके विरोध में, पूरे दिन इसका विरोध करूंगा मैं कि सरकार उस कलेक्टर को गिरफ्तार करे और सरकार वो कुलपति चार टीम थी उनको गिरफ्तार करे और सरकार जो ये जो जो दोषी है बड़े लोग उन सबके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करे। ये मैं सरकार से मांग करता हूं।